हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और ये मेरा अजमेर पुष्कर ट्रिप का वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1, तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने नरेली का जैन मंदिर, जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और कवर किया है। आप उसको देख सकते हैं, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद नरेली का जैन टेम्पल कवर करने के बाद हम बढ़ चलिए पुष्कर की ओर। और पुष्कर अजमेर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब आप पुष्कर की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में 2 से 3 चीज़ें कवर करने को मिलेंगी, जिसमें से एक है साईं बाबा टेम्पल, और उसमें से दूसरा है स्मारक, जिसको पृथ्वीराज स्मारक भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तो आप ये दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। साईं बाबा टेम्पल हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, उसको आप देखिए और कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट्स में। और चलिए देखते हैं साईं बाबा टेम्पल। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं साईं बाबा मंदिर, और ये अजमेर और पुष्कर के बीच में जो रास्ता है उसमें पड़ता है। और इसी में 2 या 3 अलग और भी चीज़ें आती हैं, जैसे एक गार्डन आता है पृथ्वीराज स्मारक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी आलीशान ये बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, और काफ़ी दूर तक आप देख रहे हैं वहाँ तक फैला हुआ है ये। तो चलिए अंदर से देखते हैं कैसा है साईं बाबा मंदिर। दोस्तों, अजमेर से पुष्कर के बीच में जाते हुए बीच में पड़ता है साईं बाबा मंदिर, और ये बहुत ही आलीशान बना हुआ है, और ये मार्बल से बना हुआ है। झूमर आप देख सकते हैं किस तरह से है, और बहुत ही शानदार है। साईं बाबा का द्वार सबके लिए है, और इसमें कोई भी धर्म के एक विशेष धर्म पर फोकस नहीं किया गया है। और मैं चाहता हूं कि जब आप जाएं तो क्राउड वाले दिन ना जाएं, नॉर्मल डे पर जाएं, जिससे आपको क्राउड कम मिले, आप आराम से हर चीज़ को देख पाएँ। और दूसरी बात, जो कोरोना है उससे भी थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी मिलेगा अगर आप किसी नॉर्मल डे पर जाते हैं, और अच्छा भी लगेगा क्योंकि आप आराम से घूम पाएंगे, किसी तरह का क्राउड नहीं रहेगा, आप बातें भी कर सकते हैं। और साईं बाबा मंदिर के प्रमाइसिस में ही ये है शिव मंदिर। तो चलिए आपको शिव मंदिर भी दिखाते हैं, ये जस्ट इसके पीछे है, तो साथ में इसको भी कवर करना ना भूलें। और ये साईं बाबा मंदिर है, उसके पीछे ही जस्ट ये शिव मंदिर भी है, तो इसको भी देखना ना भूलें आप आए जब। तो यहाँ से ये रोड है और साईं बाबा मंदिर इस डायरेक्शन में है, और यहीं से आप जैसे आएंगे तो इस डायरेक्शन में जहाँ पे हमारी मैडम जा रही है, तो वहाँ पे आपको शिव मंदिर दिखेगा। चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है। और फ्रेंड्स, ये है वो शिव मंदिर जो कि साईं बाबा मंदिर वाले प्रमाइसिस में बैक साइड में है। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है, तो अगर आप थक गए हैं तो गार्डन में आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं और शांति के 2 पल बिता सकते हैं। और यहाँ पे शिव पार्वती की प्रतिमाएं हैं, और बाहर के साइड में इस तरह के हाथियों के छोटे छोटे स्टैचू बने रखे हैं, और जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप जहाँ जब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरा मार्बल का बना हुआ है ये पूरा कैंपस, और इस तरह की छोटे छोटे काफ़ी मोमेंट्स इस तरह से हैं। और क्योंकि दोपहर हो गई थी और हम काफ़ी थक गए थे, तो इट्स टाइम टू यू नो पेट पूजा। और पेट पूजा के लिए हमने सबसे फेमस, जो कि अजमेर का फेमस है, कचौड़ी और कड़ी, कड़ी कचौड़ी, तो फेमस दुकान पे खाना है, फेमस थिंग, तो आपको चलना पड़ेगा उस दुकान के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है वो दुकान, आप क्राउड देख के समझ ही गए होंगे, यहाँ के कड़ी समोसा, कड़ी कचौड़ी जो भी है सब कड़ी में मिलेगा। अजमेर पुष्कर कड़ी के लिए फेमस है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी रहती है कड़ी।
आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं रहेगा, बिल्कुल डाइजेशन फर्स्ट क्लास रहेगा। और आप देख सकते हैं दुकान में बोर्ड तक भी नहीं है, किसी तरह की सजावट नहीं, लेकिन क्राउड इतना, क्योंकि ये वो टेस्ट है, रियल टेस्ट जो आपको इसी तरह की दुकानों में मिलेगा। बड़ी चौड़ी दुकान रावत वाले की जैसे, कचौड़ी एकदम बेकार और कॉस्ट एकदम हाई। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए दुकान का नाम। फ्रेंड्स, पेट पूजा करने के बाद हम बढ़ गए आगे, एनर्जी भी मिल गई थी। और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह के अजमेर में 3-4 मॉल हैं और आप इनमें जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। हम पहले पुष्कर कवर करेंगे, उसके बाद क्राउन प्लाजा मॉल में जाएंगे जो यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस मॉल है, और उसी के पास है डी मार्ट, तो उसको भी कवर करेंगे। लेकिन पहले आप एंजॉय कीजिए असीन वादियों का। अजमेर शहर वादियों से घिरा हुआ है, हिल से, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप जाते हैं पुष्कर की तरफ। आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, क्लीन एनवायरनमेंट, और यही खासियत है अजमेर पुष्कर की, क्योंकि बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। और ये हम पहुँच गए पुष्कर, ये है यहाँ का घंटाघर पुष्कर का, और इसके बाद जस्ट 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे ब्रह्मा जी टेम्पल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है साइन बोर्ड और ये है ब्रह्मा जी का मंदिर, श्री ब्रह्मा मंदिर, और ये पूरे भारत में केवल एक ही है, या आप बोल सकते हैं पूरे संसार में एक ही है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, और पौराणिक कथा को जानने के लिए गाइड तो करना पड़ेगा, तो हमने भी एक गाइड किया जिससे हमको पता चले कि क्यों केवल एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पूरे संसार में, बाकी और कोई मंदिर क्यों नहीं है, जबकि शिव जी के, विष्णु जी के बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप ये कहानी सुनिए गाइड की जुबानी। मैं आपको यहाँ का इतिहास बता रहा हूँ, पुष्कर कैसे बना। पूरा दुनिया में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर, ब्रह्मा के मंदिर में आप लोग जाएंगे, वहाँ आपके यहाँ सिर्फ प्रसाद, मनोकामना, कोई भेद नहीं चलता। अमीर, गरीब, राजा, प्रधानमंत्री जो भी आते हैं, मन में इच्छा घूमना सदा होता है, एक तो समझ के आते हैं, तो ब्रह्मा जी का फूल प्रसाद सरोवर पे चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी का यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके बाद में ब्रह्मा के मंदिर में जाकर दर्शन किया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर 33 देव देवता, 3 देवता प्रमुख है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया है, विष्णु भगवान पालने वाले हैं, शिव जी भगवान इसका विनाश करते हैं। जी और डी डॉट का जो डेफिनेशन होता है, जनरेटर, ऑपरेटर, विष्णु। विष्णु भगवान का नाम बना है बोध गया गया बिहार के अंदर, शिव जी भगवान का स्थान बना है काशी बनारस के अंदर, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, उनका कोई तीर्थ या कोई मंदिर नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि मेरा भी कहीं तीर्थ बनना चाहिए जिससे मेरी भी पूजा मृत्यु लोक में की जाए। तो विष्णु भगवान ने अपना नाभि में से कमल का पुष्प निकाला, उस कमल के पुष्प से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। वो कमल का पुष्प दिया ब्रह्मा जी को, बोले ये पुष्प जहाँ भी मृत्यु लोक में पवित्र जगह होगी वहाँ जाके गिरेगा, वही आपका तीर्थ स्थान कहलाएगा। ब्रह्मा ने पुष्प गिराया, पुष्प ब्रह्मांड का 7 चक्कर लगाता हुआ 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यहाँ 3 पुष्कर बने, ज्येष्ठ, कनिष्ठ और मध्य, उस जल का नाम पड़ा पुष्कर। तो उसी जगह ब्रह्मा ने अपना तीर्थ बनाने के लिए यज्ञ किया। तो यज्ञ में 2 चीज का होना आवश्यक है, पहला होता है शुभ मुहूर्त, दूसरा होता है धर्म पत्नी का, बिगर पत्नी के सिंगल व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा का यज्ञ का मुहूर्त निकला दीपावली के 10 दिन बाद में, कार्तिक का एकादशी आता है, देव उठने 11 से। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने गाइड की जो आवाज है उसको काट के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मा जी को श्राप लगा था क्योंकि उन्होंने जो यज्ञ करवाया था फेमस के लिए, उसमें अपनी पत्नी को नहीं लेके किसी दूसरी औरत को ले लिया था, और उसका कारण था नारद मुनि। इसीलिए कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम नारद मुनि नहीं रखते हैं। और क्योंकि जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आपको किसी भी वीडियो में वहाँ के अंदर का जो भी फोटोग्राफी है वीडियो नहीं मिलेगा,
ये जो वीडियो है यह है ब्रह्म घाट का, पुष्कर घाट का, और यहाँ पे लोग अपनी मान्यता पूरी करते हैं, जो भी है संकल्प वगैरह लेते हैं, इसलिए यहाँ का ही वीडियो है। क्योंकि गाइड हमको यहाँ पे लेके आया और थोड़ा खर्चा पानी भी कराना था, तो इसीलिए यहाँ का वीडियो डाल रहा हूँ। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और जो भी कर रहा है वो अनएथिकल है, अगर कर भी रहा है तो किसी चोरी छुपे से। तो ये है वो पुष्कर घाट जहाँ पे आप नहा सकते हैं और अपना जो भी संकल्प है वो ले सकते हैं, और बेसिकली ये बहुत अच्छी जगह है, शांति मिलती है मन को, यहाँ ज़रूर जाएं, और काफ़ी मान्यता भी है। ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन के बाद अभी बारी थी रंगनाथ जी साउथ टेम्पल के दर्शन करने की, तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा, जिसमें हम और सारे मंदिर और बहुत सारे जो मॉल्स हैं, जिस तरह से स्क्वायर मॉल है, डी मार्ट है, और भी काफ़ी सारी जगह कवर करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।